हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है 9:30 और मैंने पोर्टर और अंकल डिलीवरी दोनों ऐप ऑन कर लिया। अब इंतजार कर रहा हूं यहां पे और देखते हैं ड्यूटी कब तक आता है और कहां का। और दोस्तों, एक दो दिन से जो ऑर्डर आ रहे हैं मेरे पास, मतलब पहला ट्रिप कम्प्लीट करने के बाद, मतलब उल्टा साइड का, ये नहीं उधर से रूट मिल जाए घर के साइड का, तो बैटरी भी बच जाए, चार्जिंग स्टेशन पे पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, और घर भी आ जाऊंगा टाइम पे, लेट नहीं होगा। लेकिन क्या करें, ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो अब देखो, पैसा कमाना है मान के चलो, तो जो भी चक्कर आता है उठा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, टाइम ही वेस्ट होता है, चार्जिंग लगाना पड़ता है वहाँ पे और उधर से फिर खाली आओ, और उधर से अगर बाई चांस आते टाइम ऑर्डर मिल जाए तो वो अलग बात है, ठीक है। तो कोई बात नहीं भाई, भगवान जी का आशीर्वाद लेके आज के दिन का शुरुआत कर दिया, ठीक है। बस इंतजार कर रहा हूँ यार अंकल डिलीवरी और पोर्टर में ड्यूटी कब तक है। अभी देखो 10 बज गए, 10:30 बज गए भाई पूरे, ना अंकल डिलीवरी ना पोर्टर, किसी में ड्यूटी नहीं है, पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा। गाइस, अभी मैं ऑफलाइन कस्टमर के पास आ गया हूँ और आके देख रहा हूँ यार, ये टायर में से ना इससे हवा निकल रहा है और ये टायर थोड़ा फूल गया, इसको भी रिप्लेसमेंट करना है। तो देखो, अब नया वाला स्टेप नहीं लगाऊंगा यार, दिमाग खराब। ऑनलाइन में जो ऑर्डर आए थे वो इधर उधर के ऑर्डर आए थे, मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ और हरियाणा से पिकअप करना है, तो मैंने यार उठाया नहीं। मैं ऑफलाइन वाले को फ़ोन किया तो कह रहा आ जाओ ऑर्डर है, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, चलो दोस्तों ये नया वाला टायर चेंज करता हूँ। और दोस्तों, ये जो टायर है MRF का टायर है, ठीक है, कभी इस साइड का टायर फूल रहा है, कभी उस साइड वाला वो फूल रहा है। अब बताओ, अब फूल रहा है, अगर 3 साल की वारंटी है, रिप्लेसमेंट में अगर चेंज करा रहे हैं तो 500-550 रुपये लग रहा है। अरे भाई, मैं नया टायर नहीं मांग रहा हूँ, ठीक करके दो, ठीक है, मतलब वारंटी है तो पैसा किस चीज़ का। कह रहे जितना हम आपको नया टायर देंगे, जितना आपने घिसा है, ठीक है, उस हिसाब से पैसा लगेगा। अब बताओ, ऐसा थोड़ा ना होता है यार, 500-550 रुपये लग जाता है और आता है 12-15 दिन बाद, क्या करे यार। देखो भाई, टायर टेढ़ा लग रहा है, देखो टायर होना चाहिए सीधा, ये देखो एक तरफ से देखो, ये देखो दिख रहा है इस हिस्से पे टेढ़ा, बताओ, ये देखो फुल चुका है, ठीक है। देखो भाई, टायर कितना टेढ़ा है, रोटेशन दोस्तों, आधा घंटा लग गया करीब, ये फुल गया है। अब इसको रिप्लेसमेंट में दूंगा, पता नहीं कितने पैसे लेंगे, गारंटी में फिर भी पैसे ले रहा, बताओ यार क्या फ़ायदा, कभी इधर का टायर फुल रहा है, कभी इधर का दिमाग खराब है भाई। अभी सर के यहाँ थोड़ी देर के लिए चार्जिंग भी लगा रखा हूँ, क्योंकि ये दूर जाएगा फिर रिटर्न नहीं आ पाऊँगा, इसलिए मैंने सर को पहले ही बोल दिया, ठीक है। बस थोड़ी देर बाद निकलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या सामान लोड होता है। गाइस, अभी ऑर्डर लेके निकल गया, अभी नए वाले टायर में हवा डाल लिया और आज ये मेरे साथ जा रहे हैं। हाँ, क्या नाम है भाई साहब आपका? ये सौरभ भाई है, ठीक है, ये देखो कुरकुरे खाते हुए, आज खाना नहीं लाया तो खाना खा लेते, लेकिन ये कुरकुरे खा रहा है, तुरतुरे खा रहा है भाई। कुछ बोल दे यार सब्सक्राइबर को। कुछ नहीं, ठीक है, चलो। तो गाइस, मैंने यहाँ ऑफलाइन जो पार्टी का माल था, 2 पॉइंट का माल था, वो 2 जगह छोड़ दिया, ठीक है, और पोर्टर ऑन करके रखा, 2 ड्यूटी मैंने पोर्टर पे मिस कर दिया, एक तो फरीदाबाद बचा था और एक पहले जब दिल्ली में मैं पहले 9:30 बजे ऑनलाइन था और 11:30-11 बजे एक ड्यूटी आ, जब मैं ऑफलाइन पार्टी के पास आ गया था उस टाइम, तो मैंने उठाया नहीं, तो 1 घंटे का टाइमर लग गया। यहाँ से आप फरीदाबाद से सादरा की 1 ड्यूटी बजी, किसी ने नहीं उठाया, 20 सेकंड का टाइमर लग गया, उसके बाद मैंने उठाया, ऑर्डर उठ गया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से 7 रह कर लूँगा, ये देखो जो यहाँ पार्टी के पास ये माल उतर रहा है ये, ठीक है। तो अब चलो बस फरीदाबाद के पिकअप पॉइंट चलते हैं, 8 किलोमीटर दूर है पिकअप पॉइंट, तो उठा ले जब खाली जाना यार, कुछ पैसा तो आ जाए, ठीक है, मैं आपको पिकअप लोकेशन में मिलता हूँ दोस्तों। और दोस्तों, गाड़ी में जितनी अभी चार्ज है, इतनी चार्ज में घर तक तो नहीं जा पाएगी, मतलब 10 किलोमीटर पहले तक चली जाएगी। तो ये ऑर्डर कम्प्लीट करने के बाद या ऑर्डर लेते ही कहीं चार्जिंग में बैठाऊंगा मैं, तो चलो दोस्तों मिलता हूँ जैसे भी हो। तो गाइस, अभी मैं फरीदाबाद के पिकअप पॉइंट पर आ चुका हूँ, टाइम लगेगा, थोड़ा सिस्टम नहीं चल रहा है क्योंकि ईवे बिल वगैरह बनना है, ठीक है। और ये फरीदाबाद मतलब हरियाणा से दिल्ली जाएगा, तो बॉर्डर पे सेल टैक्स वगैरह होते हैं ना, हर जगह कोई भी माल हो भाई बिल तो ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी लोड करने में हो सकता है 15-20 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा लगा दे, लेकिन यहाँ से मैं सोच रहा भाई लेके ही निकलूँगा ऑर्डर, ठीक है। और गूगल मैप का बताऊँ यार, गूगल मैप जो है यहाँ से दिखा रहा था, ये लोकल वाले रोड से 2.5 किलोमीटर
15-20 मिनट का रास्ता, लेकिन ये जो है ना 8-8.5 किलोमीटर वो पड़ा पिकअप मेरा, और इसमें लगभग भाई आधा घंटा से ज़्यादा लग गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से लेके जाएंगे। और ये ड्रॉप लोकेशन करके, मतलब ये ऑर्डर कंप्लीट करके मेरा बैटरी बच जाएगा लगभग 10%। वहाँ पे देखता हूँ शादरा में कहीं चार्जिंग वगैरह लगाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस, मैंने फरीदाबाद से जो माल पिकअप किया था वो माल अभी गाड़ी में ही है। मैंने मोदी मिल के यहाँ, ये जो बस स्टॉप है यहाँ पे, मैंने गाड़ी को चार्जिंग पे लगा दिया है। ठीक है, तो आधा पौने एक घंटा चार्ज करके निकलूँगा, फिर ये ऑर्डर कंप्लीट करूँगा और मिलते हैं आपको फिर ड्रॉप लोकेशन पे। तब तक भाई क्या करें, बस स्टैंड पे खड़े रहते हैं, बैठते हैं कहीं। ओ देखो गाइस, फ्लाइट। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये इस चार्जिंग स्टेशन पे मेरी गाड़ी चार्ज हो रही है। ये मैंने तार का वायर बिल्कुल लंबा कर रखा बोर्ड का, और देखो दिखाता हूँ इसका सिस्टम क्या, सब पता चलता है यहाँ पे। ये देखो किलोवाट, इतने किलोवाट ये लिया अभी, यूनिट कंज्यूम किया, और 38 मिनट 4-5 सेकंड ये बढ़ रहा है ड्यूरेशन, मतलब टाइम, इतने टाइम तक मैं चार्ज कर रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मैं घर आ गया, और वक्त हो गया भाई 10 बज गए रात को। ठीक है, तो आज की अर्निंग बताने की बारी है। दोस्तों आज की कमाई जो हुई कितनी हुई, अंदाजा लगाओ। दोस्तों आज का जो कमाई हुआ टोटल वही है 1250 रुपये। तो खर्चा वर्चा काट के 1250 में से मैंने 60-70 रुपये का चार्ज किया, तो समझो वही 1200। ठीक है, और किराया भाड़ा जो गाड़ी चार्ज वगैरह निकाल के, वही भाई साहब आज भी 370 रुपये ये बचे। कल तो कुछ भी नहीं बचा था, हाँ, क्योंकि वो बाइक किया था मैंने, फोटो वगैरह अंकल डिलीवरी जो भी है, तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, चैनल पे अगर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और ऑर्डर तब सही बनता है ना जब हम एक जगह माल ड्रॉप करें और उधर से भी हमें रिटर्न का मिल जाएगा, तो चक्कर सही बनता है। एक साइड से जाओ एक साइड का खाली, तो कोई मज़ा ही नहीं आता। तो चलो दोस्तों, चैनल पे अगर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।